एक बार छत्तीसगढ़ का रायपुर गुड़िहारी में रहने वाला एक चेला हमारे पास आया, चंगीलाल, गुड़ियारी का चंगीलाल हमारे पास आया। बोला गुरुजी जुखाम हुआ है, जुखाम। हमने कहा जुखाम हुआ तो हम क्या करें, गोली खा लो। बोले नहीं नहीं गुरुजी, हमने सुना है दारू पीने से जुखाम मिट जाता है, ऐसे छत्तीसगढ़ में ही लोग पाए जाते। बोला गुरुजी हमने सुना दारू पीने से, पौवा पीने से जुखाम मिट जाता है। हमने कहा पी ले, पी ले। तो बगल में खड़े हुए थे छत्तीसगढ़ के फाफाडी का एक और चेला, वो बोला गुरुजी कैसी उल्टी बात कहते हो, तुम तो पीने पर रोक लगाते हो, उसको कह रहे पी ले। अरे हमने कहा उसका रोग तो पूछो क्या है, बोले जुखाम है। हमने कहा सही तो है, वो कह रहा है क्या दारू पीने से जुखाम मिट जाएगा, लोगों के मकान मिट गए, लुगाई मिट गई, जमीनें मिट गई, इसका जुखाम तो मिटा ही जाएगा। बोलो सीताराम, जोरों से बोलो, बोल शंकर भगवान की। लोगों के मकान मिट गए, लुगाई मिट गई, इनका जुखाम नहीं मिटेगा क्या? अच्छे अच्छे लोग मिट गए, लीवर फूल गया, कई लोगों का लीवर खराब। एक आदमी हमें और मिला, अब हम क्या बताएं, ये सब लोग छत्तीसगढ़ में ही पाए जाते हैं। एक आदमी और मिला बिलासपुर का, हमने कहा तुमने इतनी पी के लीवर खराब कर लिया। बोला गुरुजी हम तो बढ़िया थे, दारू ठीक थी, लीवर ही कमजोर था। ले ओ, आओ, 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 आओ। बोले हम ठीक थे, दारू ठीक थी, लीवर कमजोर था। हमने कहा अब विचार क्या है, बोले ब्रह्मा जी पे केस करेंगे, इतनी कम क्वालिटी का लीवर दिया है, बताइए। हमने कहा कहीं तुम छत्तीसगढ़ से तो नहीं हो? बोला सही कहा तो गुरु, कहा जय हो तोला, बताइए। ऐसे लोग तो संगति, संगति किसकी करो, जिसके मुख पर राम, जिसकी वाणी में सीताराम, मस्तक पर चंदन, गले में कंठी की माला, ऐसे व्यक्ति की संगति करोगे तो भैया मदिरालय नहीं मंदिर जाओगे।